वंश यहाँ कर रहा है मेकअप, ये लगा रहा है लिपस्टिक। बेबी नहीं लगाएगा, बंच लगाएगा। ओके ओके, यू आर बंच बोल रहा है, इट्स माई। लगाओ, जल्दी लगाओ, फिर वीडियो बन रही, जल्दी लगाओ यार, बैठ के लगाओ, बैठ के। ये अंशदीप सिंह है, पापा के पास आ गया और ये खड़ा हो गया, देख लीजिए इसे। और बंच लगा रहा है लिपस्टिक मम्मा के साथ में, देखो कौन सा कलर है, कौन सा कलर का लिपस्टिक है। तो बंच दी बहुत खुश है और ये लगा रहा है लिपस्टिक। और अभी हम बंच के लिए बनाएंगे जूस। और उसने नोजी पकड़ लिया मेरी, देखो देखो ऐसे पकड़ लेता अंशदीप सिंह नोजी। जूस बनाया, जूस बंच जूस पिएगा जूस। यहाँ पर हमने बंशदीप के लिए बनाई थी कैट, लेकिन बेबी ने इसको मिटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया था एक पीजन, तो पीजन भी थोड़ा सा मिट गया। उसके बाद यहाँ पर बनाया हमने कॉकरोच, बंच को कॉकरोच बहुत पसंद है, कॉकरोच को देखते ही खेलने आ जाता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया एक हॉर्स। ये कौन सा हॉर्स है बंशी, बंच कौन सा हॉर्स है, वाइट हॉर्स है, अच्छा रेड है, रेड हॉर्स। तो ये बंशदीप के लिए है और इसके ऊपर बैठ के बंशदीप घूमने जाता है, ठीक है, राइडिंग करता है। तो बंशदीप बैठेगा हॉर्स के ऊपर, चलो हॉर्स के ऊपर बैठो, हॉर्स के ऊपर, हॉर्स इधर है, इसके ऊपर बैठो, चलो दगड़ दगड़ करेंगे, चलो दगड़ 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 दगड़। तो बंशदीप हॉर्स के ऊपर बैठ के ऐसे चलाता है, दगड़ 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 दगड़। ओ यहाँ बंशदीप रोने लग गया था, इसकी लिपस्टिक मम्मा ने ले ली थी। सॉरी बोलो बंश, मम्मा को सॉरी बोल दो। ये मेरे पास आ गया बंशदीप और अंशदीप खेल रहा है डॉग के साथ। तो अभी हम बंशदीप और अंशदीप के लिए बनाने वाले हैं जूस, मौसमी का और अनार का मिक्स जूस बनाएंगे और बंशदीप भी बनाएगा। बंशदीप जूस पिएगा, जूस कैसे पिएगा, कैसे पिएगा जूस, कैसे पिएगा, यम्मी यम्मी, हाँ यम्मी यम्मी पिएगा। और बेबी को हम पिलाएंगे ड्रॉपर से, और इसको अभी मम्मा देख गई है और ये चेयर के ऊपर खड़ा होने लग गया। ये है हमारी वो मशीन जिससे हम बनाने वाले जूस, ये हम लेके आए थे बाज़ार से 300 रुपए की, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ्रूट वाली टोकरी है जिसके अंदर कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, तो इसको भी हम ले आते हैं यहाँ पर नीचे। तो अभी ज़रूरत है एक गिलास की और एक चाकू की जिससे हम फ्रूट को काट के बनाएंगे जूस। तो अभी हम बनाने वाले जूस, हमारे साथ है अंशदीप सिंह, अंशदीप हमारा मशीन के ऊपर गिरने वाला है और ये हमारा बंशदीप है। बंशदीप कौन सा जूस बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे जूस बताओ, अनार का कि मौसमी का, ना बेटे गंदा कर, देखो बंशदीप लिपस्टिक खराब कर रहा मम्मा की, और इसको चांटे भी लग सकते हैं, चांटे लग सकते हैं ना, सॉरी बोल दो मम्मा को, सॉरी सॉरी। ये देखिए बंश ने लगा लिया लिपस्टिक, ये कुछ देर में अगर इससे लिपस्टिक नहीं लिया तो पूरा का पूरा मुंह है जब वो कर लेगा ख़राब। कॉकरोच को भी लिपस्टिक लगा रहा है और खुद भी लगा रहा है अपने अभी, ये देख लीजिए पापा जूस। हाँ तो पापा निकालेंगे अभी जूस, कौन सा जूस निकालना बताओ जूस पापा। और ये हमारी ये होगी है मशीन तैयार, और ये है हमारा वो गिलास जिसके अंदर हम निकालेंगे जूस। तो ये गिलास भाग गया था, तो गिलास को लगा लेते हैं हम मशीन के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये मौसमी है और ये अनार है, पूरे काट के इसके अंदर डालेंगे और हम जूस निकालेंगे। दोस्तों हम बना रहे हैं जूस और यहाँ पर बंशदीप की मम्मी बना रही है साग के लिए सामान कर रही है रेडी। तो ये काट रही है प्याज, धनिया और टमाटर काटेगी इसके बाद। तो इसने प्याज काट के हमारे सबके आंखों में पानी ला दिया है, मेरे भी आंखों में पानी आ गया और बंश के भी आ गया। और अंशदीप तो यहाँ पर प्याज खा रहा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आंखों में पानी तो आ रहा है इसके भीतर थोड़ा थोड़ा। और यहाँ बंच की आंखों में भी पानी है। बंच आँख में प्याज चला गया? हाँ वो तो बंच के आँख में प्याज चला गया इसलिए थोड़ा बता रहा है। और पोनी किसने किया बंच? किसने किसने किया? मम्मा ने किया? कौन सी नाइस पोनी किया? नाइस। ओहो बंच के आँख में प्याज चला गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ अनार के जो दाने कैसे निकालते हैं, सही तरीका क्या है। तो अनार को इस तरह से हमने चार हिस्सों में काट लेना है। ऐसे ऐसे काटने के बाद इसमें क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा उल्टा दबा देना है, इस तरह से उल्टा दबा देना है। तो उसके बाद आप चाकू की मदद से या फिर इसको किसी स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मार दें और पूरे के पूरे जो दाने हैं नीचे गिर जाएंगे। आपको हाथ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से पूरा का पूरा जो हमारा अनार है वो हो जाएगा खाली। जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं पूरा का पूरा अनार। पहले फोल्ड कर देंगे ऐसे, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे इस तरह से मार देंगे। ये देखिए दोस्तों, आप एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा अनार के दाने जो निकाल सकते हो। ये तरीका सबसे फास्ट है अनार के दाने निकालने का। अगर हाथ से दाने निकालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा अनार हमने कर दिया खाली, पूरे के पूरे दाने बन गए हैं। और अभी हम निकालेंगे जूस। तो हमने मौसम्बी काट ली है और अनार के दाने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा अंशदीप सिंह है, ये खा रहा है प्याज और इसकी आंखों से पानी निकल रहा है फिर भी ये खाया जा रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं इधर, यहाँ पर मेरे पीछे देखिए, ओहो ये अनार का छिलका निकाल लिया इसने। चाकू हटाना पड़ेगा साइड में, नहीं तो ये चाकू मरवा लेगा। तो अब हम जल्दी जल्दी निकालते हैं मौसम्बी का जूस। तो इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से दबाना है और जो हमारा जूस है वो देख सकते हो गिलास के अंदर गिरने लग गया है। ये मशीन थोड़ी सी सस्ती है, इसके साथ थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन जूस बढ़िया तरीके से ये निकाल देती है। और ये अंशदीप आ गया है मेरे पास, जैसे इसको जूस दिख गया और ये जूस के ऊपर आ गया है। इसको हम ड्रॉपर से जूस पिलाते हैं। हाँ ड्रॉपर से जूस पीना है, पीना जूस, जूस पीना। ओ जूस पिएगा? अरे कौन सा जूस पिएगा? मौसम्बी दा के अनार दा? अनार दा। तो ये अनार का जूस पिएगा, ठीक है। ओके मामून भाई कर दे। ओ गिर जाएगा, रुक जा रुक जा, गिर जाए बेटे रुक जा। देखो अंशदीप को हमने पकड़ के रखा बड़ी मुश्किल से। एक अनार का दाना दे दिया इसको, तब तक अनार का दाना खाएगा जब तक हम बाकी का जूस निकालते हैं। और ये पूरा का पूरा गिरा। ओ हो 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 ना बुगे। अभी हम मौसम्बी के अंदर मिक्स करेंगे अनार। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बंदा है। इस बंदे ने देख लीजिए क्या कर दिया हमारा हाल। इस तरह से हमारा डेली का जो जूस बनता है इसे बनता है। और इसने सुसु भी कर रखा है पूरा का पूरा। हाँ किए किए, देखो मेरे पूरे कपड़े कुपड़े इसने कर दिए ख़राब और ये जूस पिए जा रहा है। ये देख लीजिए ऐसे करता है ये हाल बरान। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेबी, कैसे खाते क्या? आपके बच्चे भी ऐसे खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देख लीजिए हमारा बच्चा, इसको पता नहीं है 8 महीने का है। और मौसम्बी का इसने बुरा हाल कर दिया, मौसम्बी मीठी है इसलिए ये अच्छे से खा रहा है। ओए 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 ओए, रुक जा लड्डू यार, रुक जा यार।
ये बन चुका है हमारा मिक्स जूस मौसमी का और अनार का, और ये अभी पीने वाला है बांचदीप और अंशदीप सिंह। बांच बेटे जूस बन गया, आ जा। ये देख लिए बेबी, बेबी यह मशीन का हैंडल खाने लग गया है कि मौसमी पूरी खा चुका है। अंशदीप को हमने बोतल के अंदर जूस डाल के दे दिया है, अभी बारी है अंशदीप की, और अंशदीप को हम पिलाएंगे इस ड्रॉपर से। तो अंशदीप वेट कर रहा जूस पीने के लिए, और ये मेरे पास आ रहा है देखो इस तरह से जूस पीने के लिए। हाँ जूस पीना, जूस पीना, ओके। तो इसने मौसमी भी खा लिया और इसको अभी हम ड्रॉपर से जूस पिलाएंगे। तो पहले इसके मौसमी मुँह से निकालनी पड़ेगी, मौसमी पूरी मुँह में डाल के रखी हुई है, और फिर इसके बाद इसको पिलाएंगे हम ड्रॉपर से जूस। तो जूस पिलाते समय इसके दोनों हाथ पकड़ने पड़ते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो जूस है वो गिरा देता है, ड्रॉपर अपने हाथ कब्जे में ले लेता है ये। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास हमारे नई ब्लॉगिंग की वीडियो जो पहुंचती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।